मध्य प्रदेश के सागर के डॉक्टर हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय की जंगल में बीती रात तेंदुआ देखे जाने की खबर से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यहां तेंदुए ने एक कुत्ते का भी शिकार किया है, जिसके बाद से ही यहां हड़कंप मचा हुआ है। सन 2002 से आपकी सेवा में श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, कुशल कारीगरी एवं शुद्धता की गारंटी के साथ। पता याद रखें, मेडिकल कॉलेज के आगे, तिली रोड, सागर, मध्य प्रदेश। जानकारी कहती है कि बीती रात करीब 8:30 बजे विश्वविद्यालय में वाटर बॉक्स के पास बने बिजली कंपनी के पावर हाउस के कर्मचारी ने तेंदुआ देखा था। तेंदुआ देखकर दो कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया, जिसके बाद कुत्ते बाउंड्री वॉल से बाहर निकले, जिनमें से एक काले रंग का कुत्ता वापस नहीं लौटा, जिसके बाद तत्काल इसकी सूचना चौकीदार ने विश्वविद्यालय सुरक्षा कर्मियों को दी, जहां मौके पर पहुंचे सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल ही वन विभाग और सिविल लाइन थाना पुलिस को सूचना देते हुए सर्चिंग शुरू की। लेकिन अंधेरा ज्यादा होने के चलते कुछ स्पष्ट नजर नहीं आया। सुबह होते ही वन विभाग की टीम ने सर्चिंग की और तेंदुए के पदमार्ग खंगाले जा रहे हैं। हालांकि बीते दिनों मकरोनिया के 28 नंबर गेट पर भी तेंदुआ देखे जाने की खबर सामने आई थी, जिसका सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि एक तेंदुए को वनकर्मियों ने पिंजरे में कैद कर लिया है, लेकिन वन विभाग की ओर से अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है और सागर एक्सप्रेस न्यूज भी इसकी कोई पुष्टि नहीं करता। लेकिन सागर के विश्वविद्यालय जंगल में 3 तेंदुए होने की तस्वीरें और चर्चाएं सोशल मीडिया पर जारी हैं, जिसको लेकर वन अमला और पुलिस बल बारीकी से जाँच कर रहा है। जितेंद्र श्रीवास, सागर एक्सप्रेस न्यूज़।